एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे न्यूट्रिशन वीक का चौथा दिन है और आज मैं चिकन करी बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो मैं आप लोग को एक एक करके बता देती हूँ। पहले हमने होल जीरा लिया है एंड ये स्टार एनिश बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये गरम मसाला का ही पार्ट है, ये लिया है। एंड ब्लैक पेपर एंड लौंग को थोड़ा सा मैंने ऐसे कूट लिया है, एंड होल लौंग एंड ब्लैक पेपर है। पहले मैं इन सबको रोस्ट कर लूँगी तवे पे मैरिनेट करने से पहले। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि मैं सभी चीज़ों को तवे पे रखती हूँ और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रोस्ट कर रही हूँ। जब भी आप मैरिनेट करें चिकन को तो ऐसे पहले रोस्ट करके करें, इससे क्या होता है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये अब हमारा रोस्ट हो चुका है, अब हम इसे मैरिनेट करेंगे, इसमें डालेंगे। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम तक चिकन लिए हैं, इसमें मैं ये रोस्ट किए हुए मसाले स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने रोस्ट किए हुए स्पाइसेस मिक्स कर दिए हैं, इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसे जल्दी से ढक दूँगी ताकि इसका जो खुशबू है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें हंकर मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप तक हंकर लिए हैं और इसमें डालेंगे चिकन में। ये बहुत क्रीमी क्रीमी सा हो गया, हंकर करने से इसके सभी पानी निकल जाते हैं, बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आता है। फिर इसमें हम 1 टेबल स्पून तक जिंजर गार्लिक डालेंगे। वन टी स्पून चिकन मसाला डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। एंड हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। हाफ स्लाइसेस इसमें लेमन जूस डालेंगे। यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आया है। अब हम इसको हाफ एन आवर के लिए ऐसे रेस्ट के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने 4 प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज के, अब इसे हम बारीक बारीक से काट लेंगे। चिकन बनाएंगे, इसके लिए हमने कढ़ाई गरम कर लिए हैं और अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि चिकन को मैरिनेट करने के बाद हम उसे फ्राई करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे फ्राई नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसे बनाएंगे। अब हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे, रेड मिर्च डालेंगे, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। मिक्स करेंगे, ब्राउन होने तक इसे चलाते रहेंगे। ये चिकन बहुत ही
कम ऑयल में मैं बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं फ्राई करूँगी तो ज़्यादा कुकिंग ऑयल लगता है, इसलिए मैं बहुत कम ऑयल में बना रही हूँ। प्याज हमारा हल्का ब्राउनिश हो गया है, अब हम इसमें चिकन मिक्स करेंगे। चिकन को अब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा गरम मसाला डालूँगी। इसमें 1 टीस्पून तक मैं जीरा पाउडर डालूँगी। चिकन को मैंने अच्छे से भून लिए हैं, अब मैं इसमें 1 कप तक पानी डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 1 टीस्पून तक गरम मसाला ऐड करेंगे। वाओ, हमारा चिकन बनके रेडी हो गया। ये देखिए कितना यम्मी दिख रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।